तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे टेक डी एन जे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा जियो फ़ोन में कीबोर्ड साउंड ऑफ कैसे करें। तो आप थंबनेल तो देख ही चुके हैं, इसलिए शायद आप मेरा वीडियो देखने आए होंगे कि कीबोर्ड साउंड को कैसे ऑफ किया जाता है। चलिए मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ इस मेरे जियो फ़ोन में। तो चलिए मैं इस जियो फ़ोन का पासवर्ड पहले खोल लेता हूँ। तो इसका पासवर्ड खोलने के बाद सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ये रहा मेरे सेटिंग, चलिए इसको क्लिक करते हैं। ये रहा सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली ये वाला राइट का बटन क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया राइट का बटन। तो यहाँ पर आ गया पर्सनलाइजेशन में। तो सिंपली आपको यहाँ पर साउंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर साउंड का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए मैं साउंड पर क्लिक कर लिया। साउंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, वॉल्यूम, टोन्स और अदर साउंड। तो अदर साउंड पर हमको सिंपली क्लिक करना है। अदर साउंड पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, एक डायल पैड साउंड, एक कैमरा साउंड। तो यहाँ पर डायल पैड साउंड जहाँ पर आप कुछ भी क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उस साउंड कीपैड साउंड आप लोग को आता है टिंग टिंग करके। तो इसको आप सिंपली ऑफ कर दीजिए यहाँ से, तो आपका कीपैड साउंड जो आता है डायल पैड में वो साउंड नहीं आएगा। यदि आप कैमरा साउंड ऑफ करना चाहते हैं, यदि कैमरा ऑन करते हैं और फ़ोटो खींचते हैं तो उसको भी आप यहां से ऑफ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये रहा, ये आपको ऑफ कर देंगे तो कैमरा का साउंड नहीं आएगा। अब किसी को फ़ोटो खींचते हैं तो वहां पर कैमरा साउंड जो आता है वो नहीं आएगा। तो यहां से आप ऑफ कर सकते हैं सिंपली। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार से ये सेटिंग किया जाता है।